गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ विषय हिंदी साहित्य क्षितिज भाग वन चैप्टर फर्स्ट शीर्षक दो बैलों की कथा लेखक इसके मुंशी प्रेमचंद जी और आज का जो मुख्य विषय है वह है दो बैलों की कथा के प्रश्नोत्तर। यह इस चैप्टर का छठवां भाग है। इससे पहले पांचवें भाग में हमने पांच प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से पढ़ा। अब इस भाग में हम छठवें प्रश्न के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? लेखक ने हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति किस सामाजिक विडंबना को इंगित किया है। तो कहने का तात्पर्य है, जब इस चैप्टर के अंतर्गत एक स्थान एक प्रसंग ऐसा आता है, मोती ये कहता है किस जो झुरी की पत्नी है उसको पछाड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो मोती कहता है इस बात को। लेकिन हीरा सहनशील स्वभाव का था, मोती नामक जो बैल है इसमें वह थोड़ा था उग्र स्वभाव का था, और जो हीरा था जो सहनशील मधुर स्वभाव का था। तो उसने जब ये कहा मोती ने कि जो झुरी की पत्नी अर्थात झुरी के द्वारा बैलों के प्रति गलत व्यवहार किया जाता था, उनको कम दिया जाता था, अनाप शनाप झुरी की पत्नी के द्वारा उन दोनों बैलों को कहा जाता था, इसलिए मोती को गुस्सा आया। लेकिन देखिए हीरा की सहनशीलता, देखिए कि स्त्री जाति पर बाहर करना, स्त्री जाति पर हाथ उठाना ये मूर्खता का लक्षण होता है। हीरा ने कितनी सुंदर बात कही, अर्थात हीरा के माध्यम से यह मुंशी प्रेमचंद जी भी स्त्री के प्रति संवेदना श्रद्धा भक्ति भाव व्यक्त करना चाहते। आपने देखा हुआ कि यह देश पुरुष प्रधान देश है, भले ही पुरुष प्रधान देश है, लेकिन जो स्त्री होती है जीवन में अपने सभी उत्तरदायित्वों का निर्वाह करती है, अर्थात सभी उत्तरदायित्वों को बखूबी निभाती है, बखूबी। कभी कभी आपने परिस्थिति वसा उसे बदलते हुए देखा होगा, उसके स्वभाव को बदलते हुए देखा होगा, लेकिन वह श्रद्धा भक्ति नम्रता की मूर्ति होती है, त्याग की प्रतीक होती है। स्त्री के प्रति हमारा भी स्वभाव जो है, इस चैप्टर के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी स्वयं इस चैप्टर के माध्यम से नारी का सम्मान दे रहे हैं, नारी को त्याग और सम्मान श्रद्धा की मूर्ति कह रहे हैं। यहाँ तक कह दिया, और मनु ने तो यहाँ तक कह दिया, मनुस्मृति शास्त्र जो है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र निष्फलक्रिया, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं, जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ देवता कभी निवास नहीं करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हीरा की यह बात बहुत ही उत्कृष्ट बात रही, मोती को समझाने वाली बात रही। जब मोती बार करना चाहते हैं झुरी की पत्नी पर, क्योंकि झुरी की पत्नी के द्वारा मोती और हीरा के साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा था, लेकिन हीरा नामक जो बैल था उसका स्वभाव कुछ अलग था, उसने कहा कि नहीं, स्त्री जाति पर सींग उठाना कहां की वीरता की बात होती है, तो उसने मना कर दिया। अर्थात इसके माध्यम से हमें यह भी प्राप्त होता है कि मुंशी प्रेमचंद जी भी जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं, वो भी स्त्री जाति को सम्मान की भावना से देखते हैं। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? जो पशु और मानव मनुष्य का जो आपसी संबंध है उसको इस कहानी में किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, इसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो मैं आपको इस उत्तर के बारे में बताना चाहूँगा कि जो मनुष्य किसान जो होता है उसकी मित्रता उन पशुओं के प्रति और उन पशुओं की मित्रता उस किसान के प्रति, दो जो बैल है, एक का नाम हीरा एक का नाम मोती है, जो मोती है थोड़ा उग्र स्वभाव का है, हीरा सहनशील स्वभाव का है, दोनों की मित्रता इस चैप्टर के माध्यम से उजागर होती है। वास्तव में एक किसान का अपने पशुओं के साथ में अटूट संबंध होता है, अटूट प्यार होता है, अटूट श्रद्धा और भक्ति होती है। इस चैप्टर में हमें देखने को प्राप्त होती है जब वो दोनों बैलों को ले जाता है, गया चले जाते हैं वहाँ से, तो बहुत ही जो झुरी होता है बेचैन होता है, बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है,
सुबह शाम खाना नहीं खाता है वो बैलों के प्यार में स्नेह में। देखिए इंसानों को, आपको इंसानों के लिए तड़पते तो देखा होगा लेकिन इंसान को कितनी पशुओं के प्रति तड़पते हुए आप इस चैप्टर के अंतर्गत देखोगे कि इस चैप्टर में पशुओं के प्रति तड़पता हुआ जो झूरी का स्वभाव है, झूरी को आप स्वयं साक्षात देखोगे कि जब दो बैल चले जाते हैं तो बेचैन होता है, उदासी होता है, दुख दुख में भर आता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं, अर्थात ये सारी चीजें। और जब दो बैल जब चले जाते हैं और चले जाने के बाद में जब लौट कर झूरी के सामने आ जाते हैं तो झूरी आत्मानंद हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है और उन दोनों बैलों को अपने अपने हृदय से अपने छाती से उन दोनों को बड़े प्यार और स्नेह के साथ में लगाता है और बड़ी हूक भरी जिस प्रकार मानवों का स्नेह होता है उसी प्रकार झूरी भी उन दोनों बैलों के साथ में अपना स्नेह दिखाता है। तो इस चैप्टर में हमें यही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना तो ही है गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। जब मोती ने काली को उसकी दीवार तोड़ दी अपने सीमों के माध्यम से, अपने बल के माध्यम से, तो उसमें जितने भी जानवर पशु बंधे हुए थे भूखे प्यासे सभी को उसने कह दिया भाग जाए। यहां तक उसमें जो गधे थे सीधे थे, आप जानते हो गधों को सीधा कहा गया है, सीधों और सीधे के कारण उनको बेवकूफी कहा गया है, तो उनको उनको भी उसने अपने सीमों के माध्यम से मोती ने बाहर कर दिया, बाहर कर दिया कि तुम भी भाग जाओ, भाग क्यों नहीं रहे। तो इसके बाद में जब सब चले जाते हैं तो मोती कहता है अरे कुछ नहीं मिला तो आशीर्वाद तो मिला मुझे, मुझे दुआएं तो मिलेंगी, न जाने कितने पशु इसमें न जाने कितने दिनों से भूखे प्यासे बंधे हुए हैं, ये पशु मेरे लिए दुआएं करेंगे, मेरे लिए अच्छी भगवान से अच्छी चीजें मांगेंगे, मेरे लिए मन्नत करेंगे, मेरे लिए आरजू करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, ये खुश रहे, इसने हमें न जाने कितने दिनों से भूखा रखा था इस निष्ठुर भैरों ने और जो भी मजदूरों ने। तो इस चीज से मोती की बहुत अच्छी सुंदर विशेषताएं झलकती हैं। नंबर एक, मोती जो है वो उदारवादी है। नंबर दो, परोपकारी है, अर्थात उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है, परोपकारी है, दूसरे को दूसरे के हित को ही सब कुछ समझने वाला है, अर्थात दूसरे का हित हो, खुद का हित हो कि नहीं हो लेकिन दूसरे का हित हो, इस स्वभाव के बारे में भी पता लगता है। और नंबर आशावादी है, अर्थात आशावादी, आशा को मानने वाला, अर्थात ऐसा हो सकता है, अर्थात मुझे वो दुआएं देंगे, इस प्रकार के ये सारी विशेषताएं उस मोती के अंतर्गत निकल कर आती हैं, जो एक अच्छे सज्जन संत महान पुरुष के अंतर्गत होती हैं, वही सारी विशेषताएं इस चैप्टर में जो मोती है जब काली हंस की दीवार को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद में सभी पशु उसमें से भाग जाते हैं, तब कहता है कुछ नहीं हुआ, चलो मैं यहाँ रह गया, हीरा को बना हुआ देख कर, क्योंकि हीरा की वो रस्सी मोटी थी वो खुल नहीं पा रही थी, उसे प्रयत्न किया जा रहा था, उसने कहा तो चलो इतने पशु तो मुझे आशीर्वाद देंगे। तो इन सारी चीजों से मोती की जो उदारवादी चिंतन, आशावादी चिंतन और उसकी अच्छी विशेषताएं, परोपकारी भावनाएं, एक संत ऋषि के अंतर्गत जितनी भी भावनाएं होती हैं वो सभी यहाँ प्राप्त होती हैं इस मोती के अंतर्गत हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, ऐसी उनके अंतर्गत बहुत ऐसी चीजें देखने को प्राप्त होती हैं जो श्रेष्ठता का दावा करती हैं उन दोनों बैलों। यहां प्रेमचंद ने बताया कि हीरा और मोती मूक भाषा में विचारों का आदान प्रदान करते थे। इस चैप्टर के अंतर्गत जो हीरा और मोती था मूक भाषा में एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करते थे, वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के भाव और विचार समझ लेते थे,
हमेशा साथ साथ रहने के कारण दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी और दोनों ने एक दूसरे की अच्छी तरह से जान समझ लिया। प्रेम, आत्मीयता और घनिष्ठता के गुणों के बल पर भी वे एक दूसरे के मन की बात जान लेते थे। यही उनकी शक्ति थी जिसके कारण श्रेष्ठ जीव मनुष्य भी उनसे पिछड़ गया। अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य को श्रेष्ठ कहा गया है, दुनिया की सबसे जो योनि सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया है, भावों की जो अभिव्यक्ति मनुष्य जितना सुंदर तरीके से कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ जो दो बैलों के जो वास्तविक उनके दोनों की मूक भाषा के माध्यम से एक दूसरे के भावों को समझना, एक दूसरे के साथ में रहना, एक दूसरे की शक्ति को समझना, एक दूसरे के बल को समझना, इन सारी चीजों को देखकर जो मनुष्य की सर्वश्रेष्ठता है वो एक कोने पर रखी रह जाती है और जो दो बैलों की सर्वश्रेष्ठता है वो उजागर हो जाती है। जब हम उन दोनों बैलों को एक दूसरे से मूक भाषा में बातचीत करते हुए देखते हैं, एक दूसरे से संकेत करते हुए देखते हैं, एक दूसरे की शक्ति को पहचानते हुए देखते हैं, एक दूसरे के मन को पहचानते हुए देखते हैं, तो ये चीजें जो है मनुष्य से अधिक जानवरों में, मनुष्य से अधिक पशुओं में सर्वश्रेष्ठता का दावा करती है। नेक्स्ट, उस एक रोगी से उनकी भूख तो क्या शांत होती पर दोनों के हृदय को मानो भोजन नहीं मिला। उन एक दो रोटी से जो उस कन्या के द्वारा उन दोनों बैलों को जो रोटी खिलाई जाती थी, एक दो रोटी से क्या मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, जब इंसान रोटियों का भूखा नहीं होता है, और यहां तो पशुओं की बात की जा रही है, जो दोनों बैल थे ना वो रोटियों के लिए भूखे नहीं थे या भूसे के लिए भूखे नहीं थे, चारे के लिए भूखे नहीं थे, वो आत्मीयता के लिए भूखे थे। अर्थात तो उन्हें कोई प्रेम करे, उन्हें श्रद्धा से देखे, भक्ति से देखे, उनको स्नेह से देखे, जिस प्रकार झूरी उनको स्नेह से देखता था उसी प्रकार कोई और भी देखे जो कि ये सारे गुण जो आत्मीयता वाले, जो प्रेम श्रद्धा भक्ति वाले जो गुण थे वे उस कन्या में देखने को मिले। ये कहा गया है कि एक रोटी से पेट भरने वाला तो नहीं था, लेकिन उनको आत्मसंतुष्टि उड़ा दी थी कि झूरी के अलावा हमें एक शख्स और है जो कि भेड़ों की बेटी है, वह भी हमें झूरी की तरह स्नेह और प्यार करती है। तो यहाँ ये कहा है, कहते हैं ना लौकिक में कुछ लोगों की आदतें होती है, वो सम्मान और प्रतिष्ठा के भूखे होते हैं, उन्हें यह नहीं पता है वो किसी के यहाँ खाने पीने के लिए नहीं जाते, खाना पीना तो उनके घर पर भी होता है, लेकिन वो सम्मान और प्रतिष्ठा के, अर्थात हर व्यक्ति का एक स्वभाव स्वाभिमान होता है, प्रतिष्ठा होती है, एक व्यक्तित्व होता है उसका, वो भूखा होता है, उसे वो कोई इस प्रकार का व्यक्ति मिल जाता है तो वह आत्मानंद हो जाता है, आत्मानुभूति में आनंद की प्राप्ति करता है, अपनी अपने आप को प्रसन्नचित समझता है। यह इस प्रश्न का आंसर। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, इसमें चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है उसके बारे में पूछा जा रहा है। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गया के बारे में, गया के द्वारा हीरा मोती को भूसा क्यों नहीं दिया जा रहा था। गरीबी के कारण खड़ी आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, यह भी नहीं आंसर है। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, वास्तव में हीरा मोती का व्यवहार जो था वो उसको बहुत, क्योंकि वो तो तड़प रहा था उसमें, जो बंद कर दिया गया था इनको तो वो तड़प रहे थे हीरा मोती, तो यही इसका आंसर है। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी, इन चारों में से यह सही आंसर है, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। इस प्रकार ये आपके चार जो ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन यह सही है। पहला ऑप्शन, पहले प्रश्न सुन लीजिए क्या है। गया ने हीरा मूर्ति को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि, क्यों दिया सूखा भूसा। जो गया था, जो झूरी का साला था, उसने हीरा और मूर्ति को दोनों बार पकड़ के ले गया था, दोनों बार सूखा भूसा क्यों दिया, किस कारण से दिया। क्या गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के, नंबर दो, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी।
नंबर तीन, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। नंबर चार, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। इनमें से तीन ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन सही है, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, क्योंकि हीरा मोती बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे, इस कारण से वह दुखी रहती थी। दुखी रहने के कारण वो परेशान करते थे उसको, और गया की बात नहीं मानते थे। गया उनसे काम करवाना चाहता था और वो दोनों नहीं करते थे। उनकी एक अंदर से वो था स्वाभिमान था कि नहीं करेंगे हम, जब तू हमें नहीं खाने के लिए देगा तो हम भी नहीं करेंगे। तो उसके उनके व्यवहार से इस प्रकार उन्हें वो सूखा भूषा देता था। दोनों बार गया ने उनको सूखा भूषा दिया। यह इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हो जाता है विद क्वेश्चन आंसर की व्याख्या भी मैंने आपको अच्छे से बता दी और प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको अच्छे से बता दिए। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई वो कन्फ्यूजन हो तो यारे छात्रों आप कभी भी किसी वक्त पूछ सकते हो। ये पहला चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। सेकंड चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।